धौलपुर जिला कलेक्टर रहे नन्नूमल पहाड़िया रिश्वत लेते गिरफ्तार। जयपुर की प्रमुख खबर। एबीसी की बड़ी कार्रवाई, अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को किया ट्रैप। आरएएस अशोक सांखला, दलाल नितिन को भी दबोचा। तीनों को 5 लाख की रिश्वत लेते किया ट्रैप। एसीबी के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी के निर्देशन में हुई कार्रवाई में अलवर के पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया एवं अलवर के सेटलमेंट ऑफिसर आरएएस अशोक सांखला तथा इनके प्राइवेट दलाल नितिन को 16 लाख की रिश्वत लेते हुए तीनों व्यक्तियों को ट्रैप किया गया है। बीएल सोनी ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निकटतम सुपरविजन में परिवादी की शिकायत प्राप्त होने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस महेंद्र कुमार एवं उनकी टीम द्वारा ट्रैप कार्रवाई करते हुए अशोक सांखला पुत्र प्रभातीलाल निवासी भादल तहसील सांभर जिला जयपुर हाल सेटलमेंट ऑफिसर एवं राजस्व अपीलीय प्राधिकारी अलवर आरएएस को परिवादी से 5 लाख की रिश्वत प्राप्त कर अपने दलाल नितिन शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी अलवर को ले जाते हुए एसीबी टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में नन्नूमल पहाड़िया पूर्व स्वर्गीय श्री छोटेलाल निवासी पथेना तहसील भुसावर जिला भरतपुर हाल आईएएस पूर्व जिला कलेक्टर अलवर को जो जिला कलेक्टर अलवर के पद से 2 दिन पूर्व ही रिलीव हो गए थे को जिला कलेक्टर आवास से गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी अशोक सांखला आरएएस द्वारा परिवादी से पूर्व में भी 5 लाख रिश्वत के रूप में वसूल कर लिए थे। गिरफ्तार आरोपियों के निवास एवं कार्यालयों में खोजबीन जारी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि आमजन कहीं भी कुछ गलत होता देखे तो हमें एसीबी हेल्पलाइन नंबर 1064 अथवा व्हाट्सएप नंबर 9413502834 पर सूचित करें। विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने लिया कई कार्यक्रमों में भाग। बसेड़ी की प्रमुख खबर। विधानसभा के ग्राम पंचायत धौरम में विधायक द्वारा स्कूल क्रमोन्नत कराने पर सभी ग्रामवासियों की ओर से अभिनंदन समारोह किया गया, जहां लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। विधायक एवं अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग खिलाड़ीलाल बैरवा ने शैल सहाय बाबा की 4 दीवारी का भी शिलान्यास किया। क्षेत्र के प्राचीन भूतेश्वर मंदिर पर बसेड़ी एवं सरमथरा के गैंगसा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों ने एकत्रित होकर सर्व सहमति से बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा को बसेड़ी गैंगसा पत्थर एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। सभी गैंगसा वालों ने विधायक को अपनी मांगों का ज्ञापन भी दिया। इसके उपरांत भूतेश्वर मंदिर पर विधायक अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग ने पूजा अर्चना कर महादेव जी का आशीर्वाद लिया। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। अवैध देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन में कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर महुआ खेड़ा के पास लालोनी मोड़ से एक व्यक्ति को अवैध देसी कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति जय सिंह पुत्र प्रताप सिंह कुशवा निवासी झील थाना बसेड़ी को लालोनी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल एवं संजय कुमार उदयवीर सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। बिशनगिरी धाम में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मनाया पुस्तक दिवस। बाड़ी की प्रमुख खबर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बाड़ी की संचालिका राजयोगिनी बी के अंबिका बहन ने आज पुस्तक दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि आज प्रातः बी के रेणु बहन, बी के कालीचरण भाई, बी के सूरत राम भाई और बी के मनीषा बहन द्वारा पवित्र धाम बिशनगिरी में शांति प्रेम सौहार्द एवं आत्मिक भाईचारा बनाए रखने और व्यसन मुक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में दूर दूर से आए सभी संतों ने भाग लिया। राजयोगिनी अंबिका बहन ने बताया कि इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी रेणु बहन ने परमात्मा संदेश देते हुए कहा कि आज जीवन में शांति प्रेम सौहार्द बढ़ाने के लिए आपस में भाईचारा होना अति आवश्यक है, किंतु जीवन में भाईचारा कैसे आए। हम सभी गीत तो गाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन वास्तव में भाई भाई कैसे यह समझने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में वसुधैव कुटुंबकम की और भाईचारे की भावना जब जागृत हो जाएगी तभी शांति प्रेम सौहार्द बना रहेगा। कासगंज से आए कालीचरण भाई जी ने परमात्मा शिव का सत्य परिचय सुनाते हुए
कहा, वास्तव में परमात्मा एक है जो निराकार और नेक है, जिसका नाम सदाशिव है, जिसके लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी, रेणु बहन, बीके सूरत राम, बीके मनीषा बहन आदि ने सभी को पुस्तक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और सभी संत आत्माओं को ईश्वरी साहित्य भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। कुएं में गिरा सांड लोगों ने हाइड्रा की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 23 अप्रैल को धौलपुर के गांव चांदपुर में एक कुएं में सांड गिर गया, जिस पर छावनी निवासी भागीरथ शर्मा सूचना मिलते ही ग्रामवासियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक सांड कुएं में गिरा हुआ है। भागीरथ शर्मा ने प्रशासन व पुलिस को तुरंत सूचना दी एवं स्वयं ने बिना देर किए आगे बढ़कर खुद के खर्चे पर संसाधन मंगाकर ग्रामवासियों की मदद से सांड को बाहर निकाला। सांड को निकालने में गांव वालों का काफी सहयोग रहा। इस मौके पर पटवारी मनोरमा गिरदावर ऋषि कटारा एवं पचगांव पुलिस चौकी से कांस्टेबल हेमंत चौधरी अपने साथियों के साथ एवं ग्रामवासी मौके पर मौजूद रहे। सरानीखेड़ा से उत्तम कुशवाहा की रिपोर्ट। मैं हल्का पटवारी वसी सामंता। आज सुबह ग्रामीणों ने फोन करके बताया कि ग्राम चांदपुर में कुएं में सांड गिर गया है। मैं मौके पर पहुंची, हाड्रा द्वारा ग्रामीणों की मदद से सांड को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। शराब पीकर उत्पात मचाने एवं तेज आवाज में डेक बजाने वाले दो लोगों को किया गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में कंचनपुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर तेज कर्कश आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वाले डंबर सिंह पुत्र होतम सिंह कुशवाहा निवासी होरीपुरा इब्राहिमपुर थाना रूपबास को ध्वनि उपकरण के साथ गिरफ्तार किया। इसी प्रकार नाकाबंदी करते हुए शराब पीकर वाहन चलाने के जुर्म में सर्वेश पुत्र गिरिराज सिंह जाटव को एमवी एक्ट में गिरफ्तार किया है। एक अन्य व्यक्ति शराब पीकर उत्पात मचाते हुए दीपक पुत्र गोपाली राम जाटव को गिरफ्तार किया गया। आयुष्मान भारत ब्लॉक स्वास्थ्य मेला का हुआ आयोजन। सर्वत्र की प्रमुख खबर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेलों के अंतर्गत आज शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सर्वथरा पर स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश बंसल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज सीएचसी सर्वथरा पर स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया है, जिसमें 524 लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई गयी। मेले में चिकित्सा विभाग के साथ अन्य विभागों का भी सहयोग रहा, जिसमें सभी बीमारियों के उपचार व रेफरल सहित दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनने तक के सभी कार्य एक ही छत के नीचे किए गए। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक बसेड़ी विजय शर्मा ने राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से मंच द्वारा जन सामान्य को बताया। स्वास्थ्य मेले के नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा, सिलिकोसिस जिला प्रभारी डॉक्टर गोविंद मीणा, विशेषज्ञ डॉक्टर संजय मीणा, डॉक्टर देवेंद्र बंसल, डॉक्टर अशोक रावत, डॉक्टर आर के शर्मा, डॉक्टर नीरज मीणा, डॉक्टर रविंद्र सिंह, लेखाकार जितेंद्र सिंह ब्लॉक टीम के साथ उपस्थित रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। शिक्षक संघ ने बसेड़ी विधायक को सौंपा ज्ञापन। सरमथरा में जल्द खुले सीबीईओ कार्यालय। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने बसेड़ी विधायक व एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा से सर्किट हाउस में मुलाकात कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले शुरू करने सहित शिक्षकों की महत्वपूर्ण समस्याओं का 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। संघ के प्रवक्ता भानु प्रताप परमार ने ज्ञापन के मुख्य बिंदुओं को बताया। जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने सरकार से वाइस प्रिंसिपल के 50% पदों की सीधी भर्ती से भरने के प्रावधान लागू करने का आग्रह किया। संघ के पदाधिकारियों ने प्रेषित ज्ञापन में लिखा है कि लंबे समय से सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला नीति लागू करने की बात की जाती है, लेकिन नीति अभी तक न बनी है न लागू हो पाई है, लेकिन सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में एक भी बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं किए गए, जिससे शिक्षक वर्ग में बेहद आक्रोश पनप रहा है। ज्ञापन में सरमथरा पंचायत समिति मुख्यालय पर जल्द ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का संचालन शुरू कराए जाने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल में चंद्रशेखर शर्मा, अलिंद चौहान, कुलदीप शर्मा, सत्यपाल परमार,
केसरी सिंह यादव, राजकुमार राजपूत, आमीन खान, जयवीर सिंह, शैलेश सेन, संदीप शुक्ला सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सरकार गठन के 3 साल के बाद भी अभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के एक भी बार तबादले नहीं किए गए। आज हम राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं बसड़ी विधायक सम्माननीय केएल बैरवा साहब के माध्यम से राज्य सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि TSP प्रतिबंधित जिलों में 10 सालों से शिक्षक अपने गृह जिलों में जाने की बाढ़ जो रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके तबादले हों, तो इसीलिए सरकार पॉलिसी को लागू कर जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षक एवं अन्य कैडर के तबादले शुरू करें। इसके अलावा जो अभी सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर की पोस्ट समाप्त कर ऊपर प्रधानाचार्य की गई है, उसमें युवा शिक्षकों को मौका मिले, इसीलिए 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएं। इसके अलावा हम सर बसेड़ी उपखंड के अलग होके सरमथरा उपखंड बना है, उस पंचायत समिति मुख्यालय में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का संचालन शुरू किया जाए, इसकी भी मांग। आदिवासी विकास परिषद का मीडिया प्रभारी मनोनीत, जयपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष KC घुमरिया के निर्देशानुसार पत्रकार राकेश मीणा को प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संगठन पदाधिकारियों एवं अनेक पत्रकारों, समाज के बंधुओं ने राकेश मीणा को शुभकामनाएं दी। मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर मीणा ने संगठन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। दूल्हा प्रशांत पाल ने दुल्हन मीतू संग रचाई शादी, 7 फेरे लेकर जन्म जन्म का साथ निभाने का किया वादा। धौलपुर से प्रमुख खबर। विवाह पूरी दुनिया में एक ऐसा बंधन है जो पवित्र होने के साथ साथ इस संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें दो लोग एक नए रिश्ते से जुड़ जाते हैं, लेकिन यह रिश्ता प्यार और विश्वास के बल पर बनता है। इसीलिए विवाह के बंधन में जुड़ने वाले दो लोगों में प्यार और विश्वास होना जरूरी है। इसी क्रम में इंडिया डायरेक्ट न्यूज के ब्यूरो चीफ पुष्पेंद्र बघेल के चाचा प्रशांत पाल 19 अप्रैल को विवाह बंधन में बंधे। दूल्हा प्रशांत पाल ने दुल्हन मीतू संग शादी रचाई और 7 फेरे लेकर जन्म जन्म का साथ निभाने की कस्में खाई। इस अवसर पर मां शकुंतला पाल, पिता रामस्वरूप पाल, बहन ऋतु, जीजाजी नरेंद्र ने आशीर्वाद दिया। लगन टीके का कार्यक्रम 17 अप्रैल को हुआ। इस मौके पर परिवारजनों के साथ धौलपुर के भाजपा नेता अशोक शर्मा, अनेक मीडिया कर्मी एवं मित्रगण मौजूद रहे। धौलपुर से पुष्पेंद्र बघेल की रिपोर्ट। बाल संरक्षण एवं मीडिया का योगदान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित, धौलपुर की प्रमुख खबर। प्रयत्न संस्था के तत्वाधान धौलपुर में बाल संरक्षण एवं मीडिया का योगदान एवं भूमिका विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया धौलपुर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यशाला का शुभारंभ राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा, रजनी जैन परियोजना अधिकारी प्रयत्न संस्था पत्रिका के मनीष गुप्ता द्वारा गणेश पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यशाला की शुरुआत की। तत्पश्चात रजनी जैन परियोजना अधिकारी प्रयत्न संस्था ने संस्था के उद्देश्य, परिचय एवं बाल संरक्षण विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सब मिलकर बाल संरक्षण हेतु नए नवाचार कर उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाएं। इस अवसर पर उन्होंने टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का प्रचार प्रसार करने का भी आग्रह किया तथा परियोजना का उद्देश्य एवं परिचय विषय पर प्रकाश डाला एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से बाल श्रम आंकड़ों के संबंध में प्रस्तुति दी। कार्यशाला का संचालन करते हुए राज्य संदर्भ व्यक्ति एवं मुख्य वक्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि विश्वव्यापी महामारी COVID-19 के समय मीडिया द्वारा सकारात्मक कार्य करने पर सभी मीडिया जगत के बंधुओं को मंच की ओर से बधाई दी तथा कहा, मीडिया जगत हमेशा कठिन समय में गरीब एवं वंचित व्यक्तियों की आवाज बनता है। इस अवसर पर महेश गुप्ता, भानु शर्मा, यूसुफ खान, अनुराग बघेल, मुन्ना फारूकी, राहुल शर्मा, नीरज राजौरिया, सत्येंद्र सिंह, ओम प्रकाश, हरवीर शर्मा, शकील खान, राजेश रस्तोगी, राकेश गोस्वामी आदि उपस्थित रहे।